एक वो हॉस्पिटल करेंगे आपका सॉस टोमेटो सॉस और दूसरी में हम ले रहे हैं शेजवान चटनी। उसके बाद जो मैंने किया है यहाँ पे दाली चीनी का पेस्ट और प्लस ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। तो यहाँ पर मेरा सामान जो कि रेडी है, कुछ ऑनियंस है, कुछ टोमेटो है और कुछ कुकुम्बर। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी मेकिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने कुछ ऑनियंस जो है इसकी टॉपिंग कर दी है, हमने इसकी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप ऑनियन किसी को पसंद है किसी को नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कि टमाटो, इसके ऊपर काफी कर दीजिए। ये हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम डालेंगे कुम्बर इसके। तो मतलब इसको भी इजी ब्रेकफास्ट या फिर बच्चों के लिए लंच बनाना हो तो ये बहुत ही इजी जो है वो एक टिफिन रेसिपी हो जाती है। हमारा हो गया है सारे वेजीज जो हमने ऐड करी थी, मुझे तो यही पसंद है इसमें। आप इसमें स्वीट कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ स्पाइस। हमने इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा देखें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, सारी पसंद है। और इसमें करेंगे चाट मसाला। ये भी आपके ऊपर है कि आपको चाट मसाला पसंद है या नहीं है, तभी आप इसे। हमारे लास्ट में भी कोई बचता है वो है चीनी और एक लेना है, तो हम इसमें डालेंगे और एक लेना। बाद हम यूज करेंगे ये जो सैंडविच मेकर, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं बट इसमें जो है काफ़ी अच्छे सैंडविच बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे वो करेंगे हैंडल पर, थोड़ा सा बटर लेंगे, आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। इसे रिप्लेस कर देंगे, नेक्स्ट हम इसे इस पर प्लेस कर देंगे। इसके बाद हमारा स्टेप है गैस को ऑन करना और उसके बाद हम इसे इस पर प्लेस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इसको बार बार आपने क्या है पलट दे रहना है ताकि ये जले नहीं। तो चेक कर लेते हैं हमारा सैंडविच रेडी है या नहीं। तो पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है, रेडी है आप इसका क्रंच जो है आवाज सुन सकते हैं, ये बिल्कुल ही क्रंची बना है।
और इसी के साथ हमारा जो सैंडविच है वो रेडी होता है।